गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें हम चैप्टर नंबर 14 दशहरे के बारे में पढ़ेंगे। दशहरा आपने देखा है, कभी मेले में गए हो आप? उसी को जो दिवाली से पहले होता है दशहरा, उसको हम दशहरा बोलते हैं। मेला लगता है बहुत बड़ा, जहाँ बहुत तरह की दुकानें भी लगाई जाती हैं, शॉप्स वगैरह, ठीक है, वो दशहरा मेला होता है। हमारे देश में अनेक त्यौहार होते हैं, उनमें से एक त्यौहार है दशहरा। दशहरे के त्यौहार से पहले रामलीला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। शहरों में अनेक स्थानों पर रामलीलाएँ होती हैं। 10 दिनों के रामलीला के बाद यह त्यौहार आता है, ठीक है। यानी कि रामलीला का जो आयोजन किया जाता है वो कितने दिन किया जाता है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में फिर दशहरा मनाया जाता है। 10 दिनों के दिन रामलीला के बाद त्यौहार आता है। इस त्यौहार पर एक बड़े मैदान में, बहुत बड़ा मैदान होता है, जिसमें मेला लगाया जाता है। सभी बच्चे सुबह से ही मेले में जाने की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। युवकों और बूढ़ों में भी मेले में जाने का उत्साह होता है, यानी कि इच्छा होती है। शिखा और वर्षा भी मेले में जाने की तैयारी में जुटी हुई हैं। वे दोनों बहुत प्रसन्न हैं, मतलब खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो मेले में जाने का इंतज़ार कर रही हैं कि हम मेले में जाएंगे, वहाँ पे मौत मस्ती करेंगे। इसलिए उन्होंने नए नए वस्त्र पहन रखे हैं, वस्त्र मतलब कपड़े पहन रखे हैं। वे अपने पिताजी के साथ मेले में मेला देखने जा रही हैं, ठीक है। वे अपने पिताजी से झूला झूलने, खिलौने खरीदने तथा कुछ खाने के लिए आग्रह कर रही हैं। आग्रह मतलब कि मेरे को पापा ये दिला दो, वो दिला दो, टॉय दिला दो, ऐसे विनती कर रही है। मेले में बहुत भीड़ है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं मेले में। शिखा और वर्षा अपने पिताजी के साथ खिलौने की दुकान पर गई, ठीक है। वहाँ विभिन्न प्रकार के खिलौने बिक रहे थे। शिखा ने मुकोठा तथा बतख ली, वर्षा ने मिट्टी का सिपाही तथा धनुष बाण लिया, खरीदा, ठीक है। पिताजी ने वर्षा से मेले में धनुष बाण न चलाने को कहा, ठीक है। पिताजी के साथ अब दोनों बहनें झूला झूलने गई। उन्होंने पहले क्या करा, पिताजी के साथ मेले में गई, फिर उन्होंने टॉय की शॉप पे जाके कुछ खिलौने खरीदे, फिर वो झूला झूलने गई। ये झूला बहुत बड़ा तथा गोल था। शिखा झूलते समय डर रही थी, क्योंकि झूला तेज गति से झूल रहा था। उसने पिताजी को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। वर्षा ने उसे डरपोक कहते हुए मजाक उड़ाया। क्यों? क्योंकि वो डर रही थी, इसलिए उसने उसको डरपोक कहा। कुछ समय बाद एक खुले स्थान में सभी एक ही साथ पहुंच गए। वहाँ उन्होंने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले देखे। आपने भी देखे होंगे, ये जब दशहरा मेला लगता है तो उस दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले बनाए जाते हैं। पहले लोग इनको बनाते हैं, फिर वहाँ पे लगा के उनको राम जी आके जलाते हैं। वहाँ उन्होंने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले देखे। पिताजी ने बच्चों को बताया कि सदैव धर्म की विजय होती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद श्री राम की भूमिका करने वाले, मतलब जो श्री राम बने थे, उन्होंने व्यक्ति ने रावण के पुतले पर अनेक बाण छोड़े। बाणों की पंक्ति सी बन गई, यानी कि एक बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद बाण चलाते गए। बारी बारी से मेघनाद तथा कुंभकर्ण के पुतले भी बाण में लागे गए। फिर वो क्या हुआ, जल गए, यानी कि तीनों पुतले जल गए। सभी पुतलों में आग लग गई। पुतलों से अनेक प्रकार के, जब पुतले बनाते हैं तो उसमें अंदर पटाखे लगाए जाते हैं, जिससे वो जब जलते हैं तो पटाखों की आवाज़ आती है, पटाखों की ध्वनियाँ गूंजने लगी। सभी बच्चे तालियां बजाकर प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। भीड़ में से भी क्या हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी, श्री राम की जय हो। अंत में शिखा वर्षा मिठाई की दुकान पर गए, वहाँ से कुछ मिठाई खरीदी और घर की ओर लौटते हुए प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, ठीक है। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया कि वो मेले में गए, उन्होंने वहाँ पर खिलौने खरीदे, झूले भी झूले, है ना, रावण मेघनाथ के पुतले भी देखे उन्होंने, ठीक है। बहुत सारी भीड़ थी मेले में, और राम, श्री राम की भूमिका अदा कर, जिन्होंने अदा की थी, उन्होंने अपने बाण से उनमें तीर चलाए, जिससे वो तीनों पुतले जल गए, और उनमें पटाखे थे, जिससे उसमें पटाखों की आवाज़ आ रही थी पुतलों में, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, वो मिठाई की दुकान पर गए, वहाँ से उन्होंने मिठाई खरीदी और खुशी खुशी घर लौट आए। अब इसकी वर्कशीट है, तो आपको पहले शब्दार्थ लिखने हैं, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। शिखा और वर्षा अपने पिताजी के साथ कहाँ गए, दशहरे के मेले में। फिर शिखा ने अपनी आँखों को क्यों बंद कर लिया था, शिखा ने अपनी आँखों को इसलिए बंद कर लिया था क्योंकि वो झूला तेजी से घूम रहा था। वर्षा ने किसका मजाक उड़ाया, वर्षा ने शिखा को डरपोक कहते हुए उसका मजाक उड़ाया। श्री राम की भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति ने क्या किया, रावण के पुतलों पर अनेक बाण छोड़े, ठीक है।
पिताजी ने बच्चों को क्या बताया कि सदैव धर्म की विजय होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही सब छांट कर कीजिए। हमारे देश में त्यौहार होते हैं एक या अनेक, अनेक दिनों की रामलीला के बाद दशहरा था, कितने दिनों की, 14 या 10, तो 10 पे आप टिक लगाएंगे और 10 लिखेंगे। सदैव डैश की विजय होती धर्म की या धर्म की, धर्म की। सभी में डैश में आग लग गई दुकानों में या पुतलों में, पुतलों में। सही उत्तर पर लाइट का निशान लगाइए। दशहरे के त्यौहार से पहले किसका आयोजन होता है, मेले का, प्रदर्शनी का, रामलीला का, रामलीला का। शिखा और वर्षा ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, नए कपड़े, पुराने कपड़े या गंदे कपड़े, नए कपड़े पे। वर्षा ने शिखा का कहकर मजाक उड़ाया, कायर, डरपोक या मूर्ख, डरपोक। घर लौटते समय बच्चे कैसे दिखाई दे रहे थे, प्रसन्न, उदास, थके हुए, प्रसन्न दिख रहे थे। अब है शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। देश हमारे में त्यौहार होते हैं अनेक, तो हमारे देश में अनेक त्यौहार होते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब ये क्या है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, आपको सही तरीके से अरेंज करके लिखना है। गई बाणों पंक्ति सी बन की, बाणों की पंक्ति सी बन गई। झूला झूलने गई शिखा साथ के पिताजी, शिखा पिताजी के साथ झूला झूलने गई। होती है विजय धर्म की सदैव, सदैव विजय की धर्म, धर्म की विजय होती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।